ठीक है भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एस्केलमेंथीज। और चाहे एस्केलमेंथीज का हो चाहे इसी फाइलम का दूसरा नाम होता है निमेटोडा। क्या नाम होता है? निमेटोडा। नीमा माने होता है थ्रेड, है ना, और इडियस माने होता है फॉर्म। तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि इनका जो शरीर होता है वो पतला पतला लंबा लंबा धागे नुमा होता है, इसलिए इस फाइलम के मेंबर को यूजली थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं। चलो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इनका। और अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो ध्यान करो, जिस दिन क्लासिफिकेशन पढ़ाया था इसीलिए पढ़ाया था कि बार बार हमें ना बताना पड़े। इंट्रोडक्शन जब हमने वो पढ़ा था क्लासिफिकेशन, तो यही है सब। आज हम लोग पांचवें फाइलम अर्थात निमेटोडा की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन होगी वो यही होगी, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम। कहें कि ऑर्गन कहें, कहा था प्लेटी हेलमेंथीज होता तो ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जितने भी फाइलम बचे हैं सभी में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा ना। तो यही बात है, मतलब दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स विद कैसा संगठन? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी लंबी लंबी थ्रेड लाइक है इसलिए तो इनको कहते थे निमेटोडा। और हमने कहा था कि मान लो ये थ्रेड लाइक बॉडी है, अगर बीच से काट के देखा जाए तो सामने से क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर दिखाई पड़ते हैं। सर्कुलर दिखाई चक्कर में इनको कहते हैं राउंड वॉर्म है। तो इन क्रॉस सेक्शन बॉडी इज सर्कुलर। ठीक, हेंस कॉल्ड राउंड वर्म। ध्यान रहे, निमेटोडा से पता चला कि थ्रेड वर्म कहते हैं और क्रॉस सेक्शन से पता चला कि इनको राउंड वर्म कहते हैं। चलो एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके निवास स्थान की अर्थात हैबिटेट की। और हैबिटेट में हम तुम्हें बताएंगे ये कुछ भी हो सकते हैं, वास्तव ना, दे मे बी फ्री लिविंग, मे बी फ्री लिविंग। तुम्हें इससे अच्छी बात क्या है, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो पढ़ते थे कि खेत में एक पाया जाता है मेलाइडोगाइन इंकोग्निसिया, है ना, इससे तो फ्री लिविंग हो सकते हैं। या फिर हम तुम्हें बता सकते हैं मे बी पैरासाइट ऑफ प्लांट्स एज वेल एज
एनिमल्स, ये दोनों के पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग एक्वेटिक हो सकते हैं, और एनिमल प्लांट बॉडी के पैरासाइट हो सकते हैं, जैसा कि हम लोगों के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एस्केरिस, है ना। तो कुछ भी हो सकते हैं, अगर बॉडी देखें कैसी होती है, तो अभी तो बताया था कैसी होगी, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। इसलिए कहा कि ध्यान करो, हमने जिस दिन पहला लेक्चर पढ़ाया था उस दिन कहा था कि प्लेटी हेलमिंथीज में तो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं था, स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन था, और तीन फाइलम या सब फाइलम बताए थे, उनमें बॉडी सेगमेंटेड थी, जैसे एनिलिडा बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन, आर्थ्रोपोडा ओनली एक्सटर्नल, और वर्टिब्रेटा सब फाइलम में ओनली इंटरनल। तो उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी बॉडी अनसेगमेंटेड ही है। तो हमने तुमसे कहा था अनसेगमेंटेड, एलोंगेटेड, धागे नुमा थ्रेड वर्म से याद आया ना, एलोंगेटेड थ्रेड लाइक बॉडी होती है। थ्रेड लाइक बॉडी, और इसीलिए कहा था कि थ्रेड लाइक बॉडी के चक्कर में ही इनको कहा जाता है थ्रेड वॉर्म। ठीक, इसलिए इनको थ्रेड वॉर्म से भी कहते थे। तो अनसेगमेंटेड थ्रेड लाइक बॉडी होती थी। साथ ही साथ हमने तुम्हें बताया था कि एस्केरिस हम लोगों की इंटेस्टाइन में रहता है, और सोच के देखो कि हम लोग मुर्गा पचा लेते हैं, बकरा पचा लेते हैं, स्वयं एस्केरिस को क्यों नहीं पचा पाते हैं? भाई अगर अगर मीट का टुकड़ा मान लो ये है, और जब कोई ये स्टमक में जाएगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे काम करेंगे, डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर इसी मीट के टुकड़ा को किसी पॉलीथीन में बंद करके अगर निकल जाते, स्वालो कर जाते, तो क्या ये पच पाएगा? नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम डायरेक्ट इस मीट के टुकड़े के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। बाबूजी तो यही रहते हैं इंटेस्टाइन में, इनका सामना तो एक से एक डाइजेस्टिव एंजाइम से होता होगा। तो जैसे ये पॉलीथीन बनाई ना, इनकी बॉडी पर ऐसे ही कुछ होता है, हाईली रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती इनकी बॉडी के ऊपर, है ना। बॉडीज कवर्ड विद थिक टफ हाईली रेजिस्टेंट और चमकदार भी होती पॉलीथीन की तरह, साइनी क्यूटिकल, बॉडी के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो हमने तुम्हें ये बताया कि हालांकि बॉडी वाल पूरी कहो तो बना के दिखा दें, एनसीईआरटी में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया, बस थोड़ी देर दिखा दे रहे हैं, बहुत टेंशन मत लेना। जैसे मान लो सामने से काट के देखें, तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि ये है इसकी बॉडी वाल, ऐसे मान लो बनाई, और जब भी ये बनाई जाती है तो हम तुम्हें दिखाएंगे ऐसा लगता है कि हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई और इसके ऊपर ऐसे सेल्स बनाई। किसी भी इनवर्टिब्रेट की एपिडर्मिस इस तरह से हमेशा सेल्स की सिंगल लेयर से बनी होती है, मतलब सिंपल कॉलमनर होती है। एस्केरिस में भी होती थी ऐसी, लेकिन हुआ क्या कि एस्केरिस में ये दो सेल्स के बीच की सेल मेम्ब्रेन गल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक लेयर बन जाती है, इसे कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक
लेयर बन जाती है ये। और हम तुम्हें बताते हैं कि दो शब्द होते हैं, जैसे मान लो को ये सेल है, 2 3 4 ऐसे तमाम सेल हैं, और अगर इनके बीच की मेम्ब्रेन गल जाए तो इस तरह से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मास बन जाएगा। और सिन माने फ्यूजन होता है, इस तरह से अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनती है तो इसको कहते हैं सिनसाइसियल। लेकिन कभी कभी ये भी संभव है कि मान लो कोई ये सेल है, तुम भी जानते हो कि जब सेल डिवीजन होता है तो क्या कहा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बाद में साइटोप्लाज्म का होता है। मान लो न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, साइटोप्लाज्म का नहीं हो पाया, कैरियोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस फेल हो गई, तो ये सेल बाइन्यूक्लिएटेड हो जाएगी। फिर मान लो इनमें कैरियोकाइनेसिस हो जाए, नतीजा प्रत्येक न्यूक्लियस से दो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, और साइटोकाइनेसिस फिर ना हो पाए तो इस तरह से भी कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन सकती है, स्ट्रक्चर बन जा सकती है। यहाँ पर शब्द बोला जाता है सिनोसिटिक। लेकिन देखा यह गया अक्सर कि जूलॉजी में हमेशा सिनसाइसिल बोला जाता है और बॉटनी में हमेशा सिनोसिटिक बोला जाता है। ये शब्द तुम्हारे लिए नए नहीं है, हम तुम्हें बता रहे, जब तुम एनसीईआरटी से सेल डिवीजन पढ़ोगे वहाँ ये शब्द मिलेंगे तुम्हें। तो चूंकि ये एनिमल है एस्केरिस, और इसमें हम तुम्हें यही बता रहे थे कि इसकी जो एपिडर्मिस में जितनी भी सेल्स थी उनके बीच की मेम्ब्रेन गल गई, नतीजा एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मास बन गया, बताओ उसका नाम क्या कहेंगे, तो सिनसाइसिल। तो यहाँ पर ये जो लेयर बनाई है ऐसे तो ये एपिडर्मिस है, लेकिन एक प्रकार की सिनसाइसिल लेयर होती है। ठीक, ये कह रहे थे इसको हम डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, तो हम तुम्हें बताएंगे कि इसी एस्केरिस के ऊपर, इसकी एपिडर्मिस के ऊपर ऐसे एक और लेयर होती है, एक्स्ट्रा लेयर होती है, ऐसे पूरे में होगी, हमने थोड़े मरा दी, इसी को कहते थे क्यूटिकल, जिसकी वजह से हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हालांकि इसके बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे कि एपिडर्मिस के नीचे, क्योंकि इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो ऐसे चार इन्वेजिनेशंस में की वजह से, इसमें चार ऐसे इन्वेजिनेशंस बन जाते हैं, उतना डिटेल अब जाना नहीं है तो ज़्यादा नहीं बताएंगे। और इसी एपिडर्मिस के नीचे ऐसे मसल्स की बनी लेयर होती है, ऐसे कि हमें तो ये भी बताया जाता था कि एक एक पूरी मसल लेयर ऐसा लगता कंटिन्यूस लेयर नहीं होती, जैसे तुमने अगर मैथ में क्वेश्चन लगाए हों क्वाड्रेंट्स वाले, चतुर्थांश वाले, तो लग रहा है यहाँ से यहाँ तक एक क्वाड्रेंट है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, तीसरा और चौथा। और हमको तो ये भी पढ़ाया जाता था कि मसल्स में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं और एक एक क्वाड्रेंट में 40 से 60 मसल फाइबर होते हैं, और क्रॉस सेक्शन ही हमें चूंकि दिखाना था इसलिए देखो सामने से देखोगे तो तुम्हें लगता है सर्कुलर होती है। तो बॉडी में सिर्फ 3 लेयर होती हैं मसल लेयर, ठीक ना, ये बता रहे थे। इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल तो बता ही चुके और इलोंगेटेड होती है। चलो हम बात करेंगे थोड़ा सा डाइजेशन की, इसकी फिजियोलॉजी की। प्लेटी हेलमिंथीज से डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल तो बनना शुरू हो गई थी, मगर ध्यान करो फैसियोला को, सिर्फ माउथ था, एनस नहीं था, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहते थे, इनकम्प्लीट। लेकिन जब अभी हम तुम्हें एस्केरिस बना के दिखाएंगे, चलो अच्छा बना ही ले, पहले तो ये बताओ ये हमने मेल बनाई है कि फीमेल। फीमेल जो होती मोटी ताजी होती है, और जो मोटे ताजे होते हैं वो कूल होते हैं, ऊपर से नीचे तक कूल है, मतलब स्ट्रेट बॉडी बनाई, और यहीं कहीं पर इसका माउथ होगा। माउथ के बाद हम लोगों में क्या होता है, बक्की से सराउंडेड पार्ट, चीक से सराउंडेड पार्ट, तो मतलब यहां पर होता है इसका बक्कल चेंबर। बक्कल चेंबर के बाद फायरिंग्स, ठीक,
और फेरिंग्स के बाद स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होती है और अंत में रेक्टम, और रेक्टम के बाद दरवाजा जिसको। तो इतने पार्ट होते हैं। पक्कल चेंबर, इंटेस्टाइन, और होता है रेक्टम। ठीक, टॉप पे माउथ, लास्ट में एनस, और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें माउथ एनस दोनों होते थे, इसको कंप्लीट कहते हैं। तो पहली बात यही है कि हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक बात। और इनको गौर से देखो शरीर, तो ऐसा लगता है जैसे पेन के अंदर हमने रिफिल डाल दी हो, एक बड़ी सी ट्यूब के अंदर एक नैरो ट्यूब डाल दी हो। स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल के चक्कर में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन कहलाता है, ड्यू टू स्ट्रेट। भाई अभी जगह चाहिए तो हम ये डायग्राम मिटाने जा रहे हैं। तो बक्कल चेंबर फेरिंग्स को देख लो, और किसी भी इन्वर्टिब्रेट की फेरिंग्स बड़ी कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, ऐसे फूले पचकने वाली होती है, जिसकी वजह से ये हम लोगों के लिक्विड फूड का इंटेक करेगा। तो अभी दिखाएंगे हम तुम्हें, ठीक है ना। फिलहाल थोड़ा सा हम इसको मिटा दें। तो हम ये तुमसे कह रहे थे कि ड्यू टू स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल क्या कहेंगे, ड्यू टू स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल हम कह सकते हैं दे है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। ठीक, हाइड्रा में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन कहलाता था, है ना। यहां से शुरू हो जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन, एक बात। और हमने कहा था कि अभी इनका फेवरेट फूड क्या है, इसके रिस खाता क्या है। तो चूंकि ये रहता है हमारी इंटेस्टाइन में, यहीं कहीं रहता है, और तुम भी जानते हो कि हम लोग बक्कल चेंबर में यहां पर भोजन को मैस्टिकेट करके चबा चबा के एक लुगदी में बदल देते हैं, जिसको कहते हैं बोलस। क्योंकि यहाँ तेजाब भरा होता है, एसिड भरा होता है, और जब इस तेजाब में ये बोलस आके गिरता है तो वही होता है जैसे किसी पानी भरी बाल्टी में हम मिट्टी का ढेला डाल दें, दो तीन घंटे के लिए छोड़ दें, मिट्टी फूल जाएगी, और जरा सा भी हाथ से हिलाएंगे पूरी मिट्टी का ढेला गायब हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर होता है, फूड आता है, बोलस आता है, और वो एसिड में लूज पड़ जाता है और डिजॉल्व हो जाता है। तो फिर यहां पर जो लिक्विड बनता है गाढ़ा गाढ़ा, उसको हम लोग फिर कहने लगते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो कुछ बनता है उसी को कहने लगते हैं काइम। काइम कहते हैं, और यही काइम फिर इधर से इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक, तो इसी काइम को खाता है। तो वास्तव में ये हमारी काइम को खाता है, हमारे द्वारा सेमी डाइजेस्टेड दिए गए सेमी डाइजेस्टेड फूड को खाता है। लेकिन ऐसे थोड़ी कि इसके पास हाथ पैर होते हों और चम्मच से जैसे हम लोग सूप पीते हैं, ये कैसे इंटेक करेगा काइम का, इसी मस्कुलर फायरिंग्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जो सक्शन पैदा होगा उससे इंटेक करेगा। इनकी इन्वर्टिब्रेट की फायरिंग्स सक्शन पंप का काम करती है, है ना। तो इसलिए इनमें लिखा है एनसीईआरटी में कि दे हैव वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, बात समझते ना। तो इस तरह से हमने कहा तो काइम इनका फेवरेट फूड होता है और मस्कुलर पंप द्वारा
मस्कुलर फायरिंग द्वारा उसका इंटेक करते हैं। चलो फिर इसके बाद हम तुम्हें बताएं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद बात आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बताएं, गैसेस एक्सचेंज में बताएं, तो एस्केरिस इंडो पैरासाइट होता है, और हमने कहा इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन तो रखी नहीं, वहाँ तो एक से घटिया कैसे हैं, उससे अच्छा बिना ऑक्सीजन के ये जिंदा रह लेगा। तो हमने तुमसे कहा कि दे हैव नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं ना, जो कुछ हमने कहा है वो वैसे एस्केरिस पर बेस्ड कहा। गैसेस एक्सचेंज के बाद बात आई एक्सक्रीशन की। तो हम तुम्हें बताएंगे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम अकेली एक सेल का बना होता है, और जिसको कहते हैं रेनेट सेल्स। तो हम थोड़ा सा लिख दें, इन एक्सक्रीशन में लिख देंगे दे हैव लॉन्ग एक्सक्रीटरी कैनाल। और मेडअप ऑफ किस चीज की बनी होती है पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम? जायंट सेल कॉल्ड रेनेट सेल, उसको रेनेट सेल कहते हैं, ठीक, उसका बना होता है। चलो अच्छा हम तुम्हें थोड़ा सा बना के दिखाई दें, ठीक है। देखो ये होती थी रेनेट सेल, ये सिंपल सी एक यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है, और इसी का नाम था रेनेट सेल। लेकिन भगवान को इससे स्पेशल काम करवाना था, तो क्या किया भगवान ने, यहाँ से पकड़ के खींच दिया, यहाँ से पकड़ के नीचे खींच दिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो जिसकी वजह से जब इस पकड़ खींच दिया तो ऊपर ऐसे ट्यूबुलर ग्रोथ निकल आई, नीचे भी ऐसे निकल आई, और इधर भी ऐसे निकल आई। पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम अंग्रेजी के एच के आकार का हो जाता है। तो ये जो हमने बनाई है लंबी लंबी, इनको तो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक। और ये आपस में जुड़ी होती है कुछ इस तरह की बेड़ी बेड़ी कैनाल्स भी होती है। ये जो तुम्हें दिख रही है जी, इनको कहेंगे ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल। एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक। इन्हीं से एक डक्ट बाहर निकलती है जो बॉडी के एंटीरियर एंड से 2 मिलीमीटर पीछे वेंट्रल साइड में आके खुलती है, चाहो तो इसको कह दो टर्मिनल डक्ट। तो इस तरह से पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम अंग्रेजी के एच के आकार का दिखता है। चलो इसको हम थोड़ा एस्केरिस की बॉडी के अंदर बना के दिखाएं। मान लो ये है एस्केरिस, तो ऐसा लगता है एक बॉडी के राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में ऐसे लंबी लंबी कैनाल होंगी, एक इधर भी होगी, इसलिए इनका नाम था लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल।
आपस में जुड़ी थी ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल द्वारा। ठीक, यहां से निकली थी टर्मिनल डक्ट। अब ये अकेली एक सेल है, ये न्यूक्लियस यहीं कहीं होता है, एक ही सेल से बना पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। होता क्या है, हम तो बताएंगे एस्केरिस की बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन के बीच कैविटी होती है जिसमें फ्लूड भरा होता है, ये तो है बॉडी कैविटी मतलब स्यूडोसील, और जिसमें भरा होता जो फ्लूड फिल्ड विद स्यूडोसीलोमिक फ्लूड, इसमें भरा होता। ठीक है, अब होता यह है कि शरीर की किसी भी सेल में मेटाबॉलिज्म द्वारा मान लो कोई वेस्ट प्रोडक्ट बना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट सेल से निकलकर पहले यहाँ आता है स्यूडोसीलोमिक फ्लूड में, और यहाँ से वो वेस्ट प्रोडक्ट इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल में जाता है, और यहां से होते हुए ट्रांसफर्स होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमने तुमसे बोला कि पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम अकेली एक सेल का ही बना होता है जिसको कहते थे रेनेट सेल। ठीक है ना, यही बात हो रही थी। तो दे हैव लॉन्ग एक्सक्रीटरी कैनाल मेड अप ऑफ सिंगल जायंट सेल कॉल्ड रेनेट सेल, और हम तुम्हें बताएंगे कि एस्केरिस जो होता है वो दोनों होता है, यूरियोटेलिक एज वेल एज अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। ठीक, अपनी नाइट्रोजनस गंधी को अमोनिया एज वेल एज यूरिया दोनों रूप में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि लोकोमोशन किससे करते हैं, एस्केरिस कहां रहता है, इंटेस्टाइन में, वहां कोई मैदान तो पड़ा नहीं जो एस्केरिस अपने बच्चों से कहे कि चलो बेटा क्रिकेट खेलते हैं, हम बैट चलाएंगे तुम गेंद दौड़ दौड़ के उठा के लाना, इंटेस्टाइन तक हाँ स्पेस है। तो इसलिए हमने तुमसे कहा इनमें कोई स्पेशल लोकोमोटर स्ट्रक्चर और ज़रूरत नहीं है। हाँ ये संभावित है कि कभी कभी हमको डायरिया हो जाए, फीकल मैटर तेज तेज बहने लगे जाए और उसी बहाव के साथ एस्केरिस भी बाहर निकल जाए, मगर ये ऐसा करता नहीं, होता नहीं इतनी जल्दी। क्यों, क्योंकि सोचो गंगा जी में बहाव हो और तुम सोचते हो हम कानपुर में ही बने रहें, तो जितनी तेज़ बहाव हो रहा उतनी तेज़ तुम हाथ पैर चलाते रहो अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम वहीं ठहरे रहोगे कानपुर में ही। तो ऐसे ही करता है, हमारी पेरिस्टाइलसिस को काउंट्रैक्ट करने के लिए ये अपने बॉडी वाल में ऐसे अनड्यूलेटिंग मूवमेंट करा लेता है, वरना कोई स्पेशल। तो हमने तुमसे कहा कि बींग इंडो पैरासाइट हैव नो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नो स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन, बात समझ ना, बात वही है, इनमें भी होना चाहिए क्या ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होना चाहिए, तो कुछ मेंबर में होता भी है, जैसे तुमने हुक वर्म यानी कि एंकाइलोस्टोमा नाम सुना। बॉडी वाल के मस्कुलेचर में अंडुलेटिंग मूवमेंट करा के हमारे फीकल मैटर के फ्लो को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एस्केरिस। ठीक है ना, तो लोकोमोशन में कोई खास बात नहीं है। इसके बाद अगर हम स्केलेटन की बात करें, तो हम तुम्हें बताएंगे कोई स्पेशल स्केलेटन नहीं होता है। जैसे तुमने अगर बलून देखा हो, हवा ना भरी हो तो उसका कोई शेप नहीं होता है, और जैसे उसमें हवा भरते हैं तो वो हार्ट शेप बन जाए, तो किनका जो बॉडी फ्लूड है वही इनका रूप निर्धारित करता है।
यानी कि इनको सेप देता है हमारे स्केलेटन सिस्टम की तरह। तो केवल बॉडी का जो फ्लूड है तो कह सकते हो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, अर्थात बॉडी फ्लूड ही अपने आप में कंकाल काम करता है, स्पेशल कुछ नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम। लेकिन हम तुम्हें बताएं कि नर्वस और सेंसरी कहाँ तक पढ़ोगे, पागल हो जाओगे। बस ये जान लो जैसे प्लेटी हेलमिंथीज से ब्रेन बना था, और जैसे जैसे प्लेटी हेलमिंथीज, एस्केलेबिंथीज, एनिलिडा यानी कि हायर फाइला की तरफ जाएंगे, नर्वस सिस्टम और विकसित होता जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं हम इनका रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन अगर देखें तो हम तुम्हें बताएंगे कि वो पहला फाइलम है जहां से मेल फीमेल अलग होना शुरू हो गए थे। यानी कि कह सकते हैं सेक्स आर सेपरेट हो गए, चाहे कि तो सेक्स ऑफ सेपरेट हो गए, इनकी यूनिसेक्सुअल बनना शुरू हो गए, चाहे कि तो डायोसियस बनना शुरू हो गए, डाई माने तो। बनना शुरू हो गया, ठीक है। और एस्केरिस में डायोसिस तो है ही, मेल फीमेल अलग अलग तो है ही, साथ साथ हम बताएंगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। दूर से देख के बता सकते हैं कौन मेल कौन फीमेल। अच्छा तुम ही सोच बताओ कि ज़्यादातर भारी भरकम कौन होता है, पुरुष की महिला? हाँ, हमेशा अंकल जी 36 किलो होते हैं, आंटी जी 136 किलो होती हैं। तो यहाँ पर भी जो है लांगर भी होती है, वाइडर भी होती है, कौन? फीमेल जो होती है, फीमेल जो होती है साइज में बड़ी होती है, लार्जर देन मेल। देखो ना, अगर छोटा सा डायग्राम बना दें तो ऐसा लगता है कि ये हैं अंकल जी और ये है आंटी जी, मोटी ताजी होती है, और जो मोटे ताजी होती है उनको गुस्सा तो आता नहीं, नतीजा ये सीधी सादी होती है, और जो सूखे साके होते हैं वो ऐंठू होते हैं, तो बताते हैं इनकी पूंछ ऐंठ गई, वो भी नीचे की तरफ, अर्थात वेंट्रली कर्व्ड टेल होती है, मेल की सबसे बड़ी पहचान। थिन एंड टालर तो है ही, और ये थिक और जो है लॉन्गर होती है, ये शॉर्टर होता है, ये लॉन्गर होती है, शरीर चौड़ा भी है और भारी भरकम भी है, लेकिन इनकी टेल जो है स्ट्रेट होती है। इस तरह से दूर से देख के बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल, एक बात। दूसरी बात हम तुम्हें बताया अभी कि अगर हम रिप्रोडक्शन देख रहे थे इनमें, हम बताएंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, देखो ऐसे याद नहीं रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो टेंशन ना हो तो हम थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा दें। जैसे मान लो कि ये है कोई एस्केरिस, बेशक मेल बना रहे होंगे, वैसे तो सारे ऑर्गन बॉडी के अंदर ही होते हैं, लेकिन हम बाहर बनाए ले रहे हैं सुविधा के लिए। ये लग रहा है उसमें टेस्टिस है, टेस्टिस से निकली बास डिफरेंस, ठीक, बास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसाइकिल, इसके बाद इजेकुलेटरी डक्ट, और चूंकि यहीं पर रेक्टम बताया था अभी,
जो बाहर ओपनिंग द्वारा खुलता था उसको कहा था एनस। इजेकुलेटरी डक्ट इसी रेक्टम से होती हुई बाहर ऐसे खुल जाती है। मेल में एक ही टेस्टिस, एक ही बास डिफरेंस, एक ही सेमाइल वेसाइकल, एक ही इजेकुलेटरी, सब कुछ एक एक होता है। लेकिन ये जो पता तुम्हें जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का इधर से इसकी एलिमेंट्री कैनाल आई थी, अगर हम बाहर से ऐसे बना दें जगह कम है तो फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ओपनिंग है। दोनों को मिला के जब एक ओपनिंग होती थी इसको क्लोएका कहा जाता है। और मेल में यहीं पर ऐसे कोई कांटेदार स्ट्रक्चर पाई जाती जिनको कहते हैं पीनियल सीटी या क्लोएकल सीटी। इनकी मदद से ये फीमेल गोनोपोर को ओपन करता है। तभी कपलेशन के दौरान सवाल पूछा जाता है अगर चिमटी से पकड़ के ये पीनियल सीटी उखाड़ दी जाए तो क्या होगा, तो आंसर है कपलेट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे हमने मेल का दिखाया। फीमेल टेस्ट अगर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के दिखाएं, चलो ये है फीमेल बॉडी मान लो, ठीक। इनमें क्या है, सब कुछ डबल होता है। ऐसे समझो ये हमने ओवरी बना दी, ऐसे बॉडी बाहर नहीं होती, होती अंदर ही है, जगह कम है इसलिए बना ली। फिर ओवरी के से ओवा लेके आएंगी, ओविडक्ट ऐसे, चलो ये ओविडक्ट बना ली। यही ओविडक्ट ऐसे डायलेट कर जाती हैं और डायलेटेड पार्ट ऑफ ओविडक्ट को यूट्रस कहते हैं। तो ऐसे दो यूट्रस बन गए। दोनों यूट्रस जब मिल जाते हैं कॉमन यूट्राइन डक्ट बन जाती है जो बॉडी के वन थर्ड बॉडी लेंथ पीछे बेंटल साइड में खुलती है। इस तरह से यहाँ तो सबको डबल डबल होता, कोई बात नहीं। जब ये मेल फीमेल एस्केरिस कपलेट करते हैं तो मेल एस्केरिस जो होता है अपना स्पर्म यहीं कहीं रिलीज कर देता है। वैसे सभी के स्पर्म फ्लैजलेटेड होते हैं मगर इसका स्पर्म में फ्लैजला नहीं होता है। ऐसा लगता है इसका फ्लैजला इससे पहले वाले छोटे भाई ने मांग लिया, प्लैटी हेलमेंथीज ने मांग लिया, इसलिए उनके स्पर्म बाई फ्लैजलेटेड होते हैं, इसका टेललेस होता है। तो फिर लोकोमोशन कैसे करेगा, अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया बना के। और इधर से आता है ओवरी से आता है ओवा, तब जाके यहाँ दोनों आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो कुल मिला के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक बात। और हम तुम्हें बताएंगे कि इनमें एस्केल्मिन्थीज में लार्वल स्टेज हो भी सकती नहीं भी हो सकती, इसलिए कह सकते हो डेवलपमेंट, कैसा होगा, मे बी विदाउट लार्वल स्टेज अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जब हमको एस्केरिस पढ़ाते थे तो उसका लार्वा पढ़ाया जाता था रेडिटी फॉर्म लार्वा, ठीक है ना। इस तरह से हमने तुम्हें रिप्रोडक्शन की बात बताई। चलो अच्छा एग्जाम्पल एक आध बताओ, एस्केरिस का दूसरा नाम कौन बताएगा। एस्केरिस को अभी कहा था चाहे तो कह दो राउंड वॉर्म या फिर थ्रेड वॉर्म कह दो, ठीक। इसी तरह क्या तुमने इसका नाम सुना, क्या कहते हैं इसको, पूछी रेडिया कहते हैं फाइलेरिया वॉर्म, और इसी तरह अगर तुमने नाम सुना हो एंकाइलोस्टोमा का, इसको कहते हैं हुक वॉर्म। इसका जो माउथ होता है ना तो वो हुक जैसा बन जाता है भाई, इंकाइलस कांटेदार स्टोमा माने माउथ, जिससे हमारी इंटेस्टाइन में ये अपने आप को फंसा लेता है। तो इस तरह से हमने तुम्हें पूरा लगभग ये चैप्टर बता दिया है एस्केल्मिन्थीज, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत तुम्हें है नहीं, ठीक है ना। बस हम लोग इतनी पढ़ेंगे आज।